अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फजान मिनत एंड यू आर वाचिंग स्टडी अकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है और आज 5.1 के हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट लेंगे। ये कराची बोर्ड में, कराची में मैट्रिक बोर्ड की जो बुक पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स की, उसका 5 चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी गई है वो कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स फाइंड करने। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.1। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर प्लस 2 के बाद पहली वैल्यू यानी ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म पर स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहां पर है ए सी स्क्वायर के अलावा, ए सी को फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे और 2 के बाद फर्स्ट टर्म सेम रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए यहां से भी पता लगाया जा सकता है और वहां से भी पता चल जाएगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो इट्स मीन दैट 2 मल्टीप्लाई 2 वी हैव 4। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से वी गेट 4, हम 4 हासिल कर सकते हैं, 4 मिलता है हमें। तो 4 लिख दिया हम, मतलब 2 लिख दिया उससे आ जाएगा 4, और यहां पर जब 2 लिखा है तो यहां भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, राइट साइड था ए प्लस बी की वैल्यू को एड करना है और पर पावर 2 लगा देनी है। तो ए की वैल्यू हमारी थी ए सी और बी की वैल्यू है 2, तो ये हमारा आंसर होगा। 7 के बाद क्वेश्चन 8, समझा आपने। 8 क्वेश्चन में x की पावर 2 है, y की 4 प्लस 18xy स्क्वायर और प्लस 81। जी ये क्वेश्चन है, तो करना सेम वही है, फॉर्मूला दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। पावर 2 लगा दी, प्लस 2 के बाद पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट प्लस दूसरे ब्रैकेट पर स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाना चाहिए, x की पावर 2 तो ऊपर चली चाहिए जा चुकी है, y की पावर 4 थी तो एक 2 यहां रह जाएगा, एक 2 ऊपर होगा, 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा जी, पहली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x और y 2। दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाए, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 18 आता है। ठीक है, 2 9 18 और यहां पर जब 9 आया तो 9 का स्क्वायर 9 81 होगा। तो क्लोज कर देंगे इसको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लेकर बीच में प्लस का साइन लगाकर स्क्वायर लगाना होगा। फर्स्ट टर्म थी एक्स वाई की पावर 2 और सेकंड टर्म है 9। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस बी की पावर 2 है, माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस 18 ए माइनस बी इंटू नहीं बल्कि प्लस 81। जी हाँ, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, करना ये है कि फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर लेना है और फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर पहले से मौजूद है, प्लस 2 लिखने के बाद फर्स्ट टर्म आएगी यानी ए माइनस बी, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 2 9 से 18 होता है, सेकंड टर्म में पता चल गई 9 है और उसी का स्क्वायर लेंगे तो 81 होगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि 9 का स्क्वायर लिया था 81 आया था, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर लेने से 81 आ जाएगा, इसलिए 9 लिख दिया मैंने। a माइनस बी पहली वैल्यू है, इसे ब्रैकेट में ले लें, प्लस का साइन लगाकर सेकंड वैल्यू यानी 9 जो वैल्यू है उसे लिखेंगे और पावर 2 आ जाएगी। इस छोटे ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए तो a माइनस बी प्लस 9 की होल पावर 2 यहां से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, m की पावर 2n, t की पावर n बल्कि उसकी भी 2n ही है, प्लस 8m की पावर n, t की पावर n, z की पावर n, ठीक है जी, और उसके बाद प्लस 16z की पावर 2n। तो ये है क्वेश्चन, करने का तरीकेकार सेम वही, पावर 2 लेंगे m और t, पर पावर 2 के अलावा n पावर रिमेनिंग बन जाती है जो कि अंदर लिखी जाएगी, प्लस 2 के बाद फर्स्ट टर्म आएगा, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे सामने है m की पावर n और t की पावर n। सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उसमें सेकंड टर्म में एक नंबर तो 4 हो गया। अब देखें m और t n पावर के साथ यहां मौजूद है,
लेकिन z की कमी है, तो z जो कम है वो यहां पर हम लिख देंगे 4z की पावर n। बिल्कुल इसी तरीके से इस सेकंड पावर पर, सेकंड टर्म पर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 4zn की पावर जो होल स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद m की पावर n t की पावर n प्लस 4z की पावर n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया, ये था पार्ट 10। अब इसके बाद मजीद दो पार्ट्स रह गए, उसे भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जी, 11 में आ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 0.1 एक्स वाई और प्लस 0.0025। तो ये नंबर बहुत इजी, पहले टर्म पावर ले ली 2 और एक्स वाई उसके अंदर लिख दिए, प्लस 2 के बाद फर्स्ट टर्म आएगा, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म एक्स वाई है जो अभी हमने बना चुके हैं, सेकंड टर्म को लाना है और फिर सेकंड टर्म पर स्क्वायर लाना है। अच्छा जी, सेकंड टर्म क्या होगा तो अभी देख लेंगे, 0.0025 है, ये होता है 0.05 का स्क्वायर, और अगर 0.05 यहां लिख दें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 आना चाहिए। तरीका पॉइंट को खत्म करने का, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, दो डिजिट्स हैं तो दो जीरो आ जाएंगे, 2 1 2 2, बल्कि हाँ ये कर देंगे 2 5 10 कर दें, डायरेक्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 5 10 हो जाएगा, नीचे 100 है तो 0 के ऊपर 0 1 0 0 से कैंसिल हो गया ये कहने, और 1 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है, या 0 के ऊपर 1 और 1 के ऊपर पॉइंट, तो 0.1 ही हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमारा सेकंड टर्म जो बन रहा है वो 0.05 बन रहा है, जिसका स्क्वायर लेने से 0.0025 आता है और जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 0.1 आता है, एक्स वाई पहले से मौजूद है। तो फर्स्ट टर्म एक्स वाई प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला क्लोज करने का स्टेप होगा। चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, 12 नंबर पार्ट में, 12 क्वेश्चन में 4/9 एक्स की पावर 2 है प्लस 2xy की पावर 2 प्लस 9/4y की पावर 4। अच्छा जी, तो बहुत इजी मेथड, पहले टर्म पर स्क्वायर आता है तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, क्योंकि 3 से 9 आता है, और x को बगैर स्क्वायर के लिख देंगे क्योंकि ऊपर उसका स्क्वायर मौजूद है। अच्छा जी, प्लस 2 के बाद फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज आएगी, तो 2/3x सेम एज इट इज यहां लिख दिया जाएगा। अब सेकंड टर्म हमें सर्च करना है और सेकंड टर्म को पर ही स्क्वायर लेना है आगे, तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, 2 to the 4 हो रहा है 4/3, लेकिन यहां अगर हम गौर करें तो यहां सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, और x और y, x तो है, y स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, पहली बार y स्क्वायर लिख दिया। अब इसके साथ 4 को खत्म करने वाला एक ऐसा नंबर नीचे होना चाहिए कि वो नंबर उसको काटे तो 2 आए, तो 4 को कौन काटता है कि 2 आता है, 4 को 2 काटेगा, 2 का नंबर या 2 की टेबल से काटा जाएगा तो 2 आएगा रिमेनिंग, हम कहते हैं 2 2 से कैंसिल हो जाए, 2 बच जाएगा, तो यहां नीचे मैंने 2 लिख दिया। अब यहां कहीं 3 तो नजर नहीं आ रहा, तो इस 3 को भी कैंसिल करवाना होगा, इसलिए यहां पर ऊपर पावर क्या है, ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, कि ये 3 इस 3 से मल्टीप्लीकेशन की रिलेशन की वजह से कैंसिल हो जाए। अच्छा जी, तो ये है कि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 2xy स्क्वायर आ जाएगा जो कि यहां लिखा हुआ है, और ये हमारा सेकंड टर्म बिल्कुल सेट हो चुका है, इसलिए यहां पर इसी को लिख देंगे, और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म 2/3x ये थी, सेकंड टर्म 3/2 थी, और y स्क्वायर के साथ इस पर होल स्क्वायर ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा और फार्मूला इस तरह से क्लोज होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अगर नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वीडियो है स्टॉप कर कर देखें, एक बार नहीं दो बार, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से देख कर समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।